एक ऐसा ग्रह जो सदियों से हमारी कल्पना को अपनी ओर खींचता रहा है। हमारे पड़ोसी ग्रह शुक्र के बारे में वैज्ञानिक और आम जनता दोनों ही सदैव से उत्सुक रहे हैं। पृथ्वी से दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह होने के कारण इसे प्राचीन सभ्यताओं में देवी का दर्जा दिया जाता था। हालांकि आधुनिक विज्ञान ने हमें शुक्र के बारे में कई अद्भुत और कभी कभी चौंका देने वाले तथ्य भी बताए हैं। आइए शुक्र ग्रह के रहस्यों, उसके आकर्षण और भविष्य में हमारी इस ग्रह के साथ क्या संभावनाएं हो सकती हैं, इस बारे में विस्तार से जानें। शुक्र अपने चमकदार रूप के कारण प्राचीन सभ्यताओं में प्रेम और सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा जाता था। इसे रोमन सभ्यता में वीनस और ग्रीक सभ्यता में एफ्रोडाइट के नाम से जाना जाता था। भारत में इसे शुक्राचार्य के नाम से भी जाना जाता है, जो एक महान गुरु थे। खगोल विज्ञान के विकास के साथ शुक्र के बारे में हमारी समझ में भी बदलाव आया। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से शुक्र के चरणों को देखा, जिससे यह साबित हुआ कि शुक्र सूर्य के चारों ओर घूमता है, न कि पृथ्वी के। आधुनिक विज्ञान ने शुक्र के बारे में हमें कई अद्भुत तथ्य बताए हैं। यह पृथ्वी के आकार के लगभग समान है, लेकिन इसकी सतह का तापमान सीसे को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है और सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों से ढका है। शुक्र पर एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है और यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 225 पृथ्वी दिनों में पूरा करता है। इसका मतलब यह है कि शुक्र पर एक दिन एक साल से भी लंबा होता है। यह भी दिलचस्प है कि शुक्र पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जो कि अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, भले ही यह सूर्य से दूसरे स्थान पर है। इसका कारण इसका घना वायुमंडल है, जो ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करता है। शुक्र पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में लगभग 90 गुना अधिक है। यह इतना अधिक है कि अगर आप शुक्र की सतह पर खड़े हों, तो आप एक पनडुब्बी के अंदर होने जैसा महसूस करेंगे। शुक्र की सतह ज्वालामुखियों, पहाड़ों और विशाल मैदानों से भरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र पर अभी भी सक्रिय ज्वालामुखी हो सकते हैं। शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है। यह सौरमंडल के दो ग्रहों में से एक है जिनका कोई चंद्रमा नहीं है, दूसरा बुध है। शुक्र की सतह की खोज करना एक बड़ी चुनौती है। इसके घने वायुमंडल और अत्यधिक तापमान के कारण अधिकांश अंतरिक्ष यान कुछ ही घंटों में नष्ट हो जाते हैं। फिर भी कई मिशनों ने शुक्र के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। सोवियत संघ के वेनेरा मिशन ने शुक्र की सतह पर उतरने और तस्वीरें भेजने में सफलता प्राप्त की। नासा के मैगलन मिशन ने रडार का उपयोग करके शुक्र की सतह का विस्तृत मानचित्र बनाया। शुक्र की सतह पर जीवन की संभावना बहुत कम है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र के बादलों में सूक्ष्मजीव मौजूद हो सकते हैं। ये बादल पृथ्वी की तुलना में अधिक समशीतोष्ण हैं और उनमें पानी की बूंदें हो सकती हैं। भविष्य में हम शुक्र के बादलों में जीवन की खोज के लिए मिशन भेज सकते हैं। हम शुक्र की सतह पर लंबे समय तक चलने वाले लैंडर और रोवर भी भेज सकते हैं। शुक्र ने हमेशा से मानव कल्पना को प्रभावित किया है। यह कला, साहित्य और संगीत में एक लोकप्रिय विषय रहा है। आर्थिक रूप से शुक्र के संसाधनों का दोहन भविष्य में एक संभावना हो सकती है, हालांकि यह अभी भी एक दूर की कौड़ी है। राजनीतिक रूप से शुक्र की खोज अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक क्षेत्र हो सकता है। विभिन्न देश मिलकर शुक्र के रहस्यों को उजागर करने के लिए मिशन भेज सकते हैं। भारत ने भी शुक्र की खोज में अपना योगदान दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2024 में शुक्रयान एक मिशन लॉन्च करने की योजना बनाई है।
यह मिशन शुक्र के वायुमंडल, सतह और आंतरिक संरचना का अध्ययन करेगा। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें अपनी चुनौतियों से रूबरू कराता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमयी है। जैसे जैसे हम शुक्र के बारे में अधिक सीखते हैं, हम अपने स्वयं के ग्रह और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में भी अधिक समझते हैं। शुक्र की खोज अभी भी जारी है और भविष्य में हमें और भी आश्चर्यजनक खोजें हो सकती हैं। हो सकता है कि हम शुक्र के बादलों में जीवन खोजें, या हो सकता है कि हम शुक्र की सतह पर एक दिन मानव बस्तियां स्थापित करें। केवल समय ही बताएगा कि शुक्र के लिए हमारा भविष्य क्या है। लेकिन एक बात निश्चित है, शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो हमें हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा और हमें अपनी अनंत संभावनाओं से रोमांचित करता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।